please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और बात उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पशु चोरी के आरोप में भीड़ ने शाहरुख नाम के एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पीड़ित लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। मामला कैंट थाने इलाके का है। आरोप है कि शाहरुख ने गांव में पशु चोरी की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, इससे उसकी मौत हो गई। इनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं थी, इसके वजह से पीआरवी ने इन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पे दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद इनका जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। मिल पा रही है इस खबर को लेकर, सीधे बात करते हैं अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या अपडेट मिल पा रही है, क्या कुछ हुआ है अब तक इस मामले पर? बिल्कुल, क्योंकि मामला मॉब लिंचिंग का, और कल ही मुख्यमंत्री की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ था कि इसमें कोई इस तरह की घटनाएं ना हो, और इसको प्रशासन सुनिश्चित करे कि जो लोगों की मौत हो जा रही है, भीड़ जो मार देती है लोगों को इकट्ठे होकर, उस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी 24 घंटे बीता ही नहीं था कि बरेली के मसला आया, जहां पर एक व्यक्ति को जो विदेश में रहता है, दुबई से लौट कर एक महीने पहले आया था, और उसे भैंस चोरी के आरोप में लोगों ने डंडे और लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस की तरफ से अज्ञात लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो उनके परिजन है उनका साफ तौर पर आरोप है कि उनके द्वारा इस तरह कोई तस्करी या कारोबार नहीं किया जा सकता जाता था, और वो विदेश में रहते थे। लेकिन पुलिस अभी कुछ नहीं कर पाई है, अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जो एसपीसीपी है अभिनंदन सिंह, उनकी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैंस चुरा कर भाग रहे थे गाँव वालों ने तो पता चल गया, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है, जो उनके परिवार के लोग, वो साफ तौर पर डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति विदेश में रहता है, नौकरी करता है, उसके द्वारा यहाँ पर आकर कोई व्यवसाय नहीं किया जा रहा था, और भीड़ ने गलत तरीके से पीट कर हत्या की। अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, और ना सिर्फ मुख्यमंत्री के निर्देश जारी करने पर, बल्कि कई बार इससे पहले प्रधानमंत्री भी इस तरह के मामले पर बोल चुके हैं, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही। शुक्रिया जी। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मकान अचानक से धराशायी हो गया। जो मकान गिरा उसके निचले हिस्से में एक डेंटल क्लिनिक चल रहा था। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। मकान का ऊपरी हिस्सा खाली होने की वजह से हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं मकान गिरने की वजह भारी बारिश बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अचानक भरभरा कर गिर पड़ा ये मकान। आसपास उसके कुछ दुकानें भी दिखाई दे रही है। डेंटल क्लिनिक यहाँ पर चल रहा था, निचले हिस्से में डेंटल क्लिनिक चल रहा था, और ऊपर के हिस्से में लोग यहाँ पर रहते थे। मध्य प्रदेश का छतरपुर का ये इलाका जहाँ पर ये वाकया हुआ। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मकान का जो गिरना बताया जा रहा है, वो भारी बारिश की वजह से उसका कमजोर होना बताया जा रहा है। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की बात करें तो यहाँ बारिश का प्रकोप जारी है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बरगी डैम में भी पानी का स्तर बढ़ने से डैम के गेट खोले गए और पानी छोड़ा गया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी डैम की। बारिश का कहर किस कदर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश का प्रकोप, बाढ़ का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश के दमोह की अगर बात करें तो यहां भारी बारिश की वजह से सभी नदी और नाले उफान पर हैं। कई गांव और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर पानी में डूबी सड़कें पार करने को मजबूर हैं। ऐसी ही एक तस्वीर दमोह में देखने को मिली। वहां पर एक बस के ड्राइवर ने यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर पानी में डूबी सड़क को पार किया। इस दौरान बस के पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दिए। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। वहीं कुछ लोग सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में बाइक ले जाते हुए भी नजर आए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से वहां पर एक बस का ड्राइवर, जिसने यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर पानी में डूबी सड़क को पार किया। ये देखिए, कुछ भी हो सकता था। इस दौरान बस के पहिए जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गए। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। कुछ लोग
सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी में यहां से बाइक भी ले जाते हुए नजर आए, लेकिन आप देखिए कि कितना खतरनाक ये है। यात्रियों की जान जोखिम में डालकर ये बस ड्राइवर यहां इस रोड को पार करता नजर आया। मध्य प्रदेश में तेज बारिश से नर्मदा नदी समेत दूसरे नदियां नाले उफान पर हैं। तेज बारिश से बलगड़ा बांध में भी पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है, जिस वजह से बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के गेट खोले जाने से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस ने एहतियातन जबलपुर अमरकंद स्टेट हाईवे पर वाहनों की एंट्री रोक दी है। हालांकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी और नालों को पार करते दिखाई, ये तस्वीरें आप यहां पर देखिए। आवाजाही यहां पर रोक दी गई है एहतियातन, बावजूद इसके यहां से वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं। बिलगड़ा बांध जिसमें पानी का जलस्तर बढ़ गया है, इस वजह से बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन उस हाईवे की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आवाजाही रोक दी गई है, बावजूद इसके लोग यहां से आ रहे हैं जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी पर ये भारी पड़ रखी है। भारी बारिश की वजह से चमोली के बंजबगर इलाके में एक मकान भरभराकर नदी में जा गिरा। महज 3 सेकंड में ये मकान भरभराकर पीछे बह रही नदी में समा गया। दूसरी तरफ लवानी में कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क को भी भारी बारिश की वजह से खासा नुकसान पहुँचा है। सड़क का हिस्सा टूटने से कई गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के चमोली के बंजबगड़ इलाके की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक मकान भरभरा कर नदी में जा गिरा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। वहां पर ज्यादातर सड़कें पानी में डूब गई हैं। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। इस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग घुटनों तक पानी में डूबी सड़कों को पार करने पर मजबूर दिखे, तो वहीं स्कूल के बच्चे भी कई जगह पानी में फंस गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। लेकिन और कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है, तो इसीलिए लोगों को इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा। बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा के त्राल में एक पुलिसकर्मी के परिवार ने आरोप लगाया है कि आतंकियों ने उनके बेटे को अगवा कर लिया है। अगवा किए गए लड़के का नाम आसिफ अहमद है, जो कि पुलिसकर्मी रफीक अहमद का बेटा है। बेटे के अगवा होने के बाद परिजनों ने आतंकियों से बेटे को छोड़ने की अपील की है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि वो अभी तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक बीती रात कुछ हथियारबंद लोगों ने बंदूक की नोक पर उनके बेटे को अगवा कर लिया था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी के बेटे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसे अगवा किया गया है। दूसरी तस्वीर परिवार की है जो अपील कर रहे हैं आतंकियों से कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा की ये खबर यहाँ